नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रभात। मैं आपके साथ प्रेमराज। अभी हम खड़े राजधानी पटना के मीठापुर बस स्टैंड के पास, और जो लगातार कोरोना योद्धा है वो अपना ड्यूटी मुस्तैद होकर कर रहे हैं। वो डॉक्टर की बात करें, पुलिस की बात करें, या तमाम जो पत्रकार की बात करें, तमाम लोग कोरोना से बेफिक्र होकर अपनी ड्यूटी मुस्तैद होकर कर रहे हैं। पटना के अब तमाम सड़कों पर जहाँ भी देखिएगा कि पुलिस की बंदोबस्त हमेशा रहती है और अभी भी है। फिलहाल आप देख सकते हैं मीठापुर का बस स्टैंड है, और यहाँ पे जो फ्लाईओवर के ठीक नीचे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस मुस्तैद है, और वो तमाम लोग जो बेफिजूल में सड़क पर निकलते हैं और अपने गाड़ी का रफ्तार नापते हैं उनसे बात करने के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, DGP का सख्त निर्देश है कि कोई भी फालतू में रोड पर नहीं निकलेगा, और जो भी निकलेगा, जिसके पास पास होगा वही केवल निकलेगा, उसके अलावा कोई नहीं। आप देख सकते हैं तमाम पुलिस वाले हैं जो लगातार अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी के लिए मुस्तैद है। और कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से लॉकडाउन बढ़ रहा, इसके पहले लॉकडाउन 1 था, फिर लॉकडाउन 2, और जैसे ही लॉकडाउन 2 ख़त्म होने वाला था तो अब लॉकडाउन 3 का आगाज हो गया। पर पुलिस वाले हैं जो पहले भी डटे हुए थे, आज भी डटे हुए हैं। यहाँ पे पुलिस वाले कुछ हैं, उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे क्या सर पहले लॉकडाउन 1, फिर लॉकडाउन 2, और अब लॉकडाउन 3, क्या लग रहा है इस तरीके से बढ़ रहा है लॉकडाउन, इस पे आप लोगों का ड्यूटी है किस तरीके से निभा रहे हैं? ड्यूटी जो पहले था उस तरह से ड्यूटी कर रहे हैं, बहुत कम आदमी निकल रहे हैं अब घर से। सब आदमी समझ गया है लॉकडाउन से क्या फ़ायदा है क्या फ़ायदा नहीं है, सब आदमी अपना अपना समझ गए हैं। इसलिए बहुत कम लोग निकलता है, जिसका मजबूरी है, जिसका बहुत अति आवश्यक जरूरी काम है, इसलिए लोग बाहर निकलते हैं। तो बाहर दवा का काम है या ऑफिस जा रहे हैं वही लोग जा रहे हैं, बाकी बिना मतलब के कोई नहीं निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं जब लॉकडाउन 1 था पूरी रूप से पाबंदियाँ थी, लॉकडाउन 3 चल रहा है, इसमें कुछ छूट दिया गया है, तो जो तमाम गाड़ी लोग होता है उसको किस तरीके से आप लोग चेक करते हैं कि कौन सही है कौन गलत है? जिसको चेक करते हैं, देखते हैं डबल है क्या है नहीं है, उसका मजबूरी को देखते हैं। जो दवा के लिए जाता है तो उसको छोड़ते हैं, या ऑफिस जा रहा है या किसी काम से जा रहा है अपना जरूरी काम के लिए तो वो जा रहा है। पुलिस वाला जा रहे हैं, बैंक वाले जा रहे हैं, जो सरकारी काम कर रहे हैं या प्राइवेट काम कर रहे हैं, जो आई कार्ड दिखा रहे हैं वो जा रहे हैं, बाकी फालतू आदमी तो निकल नहीं रहा है इधर। एक और, आप लोग जहाँ अपनी ड्यूटी अगर मुस्तैद करें तो कहीं कहीं पुलिस वालों के साथ लोग झड़प कर देते हैं, यहाँ पे भी आप ड्यूटी करते हैं, कई लोग ऐसे आते होंगे जो बदतमीजी करते हैं, उनको क्या सैल्यूट किस तरीके? हाँ, बदतमीजी तो करने वाले करते हैं बदतमीजी करते हैं, लेकिन करने वाला तो करेगा, जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो करेगा, लेकिन जो समझ रहा है पुलिस के साथ बदतमीजी नहीं करेगा। करने के लिए तो यहाँ भी करते हैं लोग। तो देख सकते हैं इनका कहना है कि करने के लिए बदतमीजी यहाँ भी लोग करते हैं, पर इन लोग हैं जो अपनी ड्यूटी मुस्तैद होकर कर रहे हैं, ना किसी का टेंशन ना घर परिवार। क्या घर परिवार में जाते हैं तो पहले की तरह ट्रीट होता है या फिर कुछ अलग? अलग पहले से तो ज़रूर अलग ना है। अब हम लोग जाते हैं तो पहले वर्दी खोल लेते हैं, वर्दी धोते हैं, इसके बाद नहाते हैं तो घर में ही करते हैं। तो क्या घर परिवार से पहले की तरह तालमेल है कि कुछ थोड़ा सा? तालमेल तो दूरी बना के हम लोग रहते हैं, डिस्टेंस बना के रहते हैं, बाल बच्चा और कहीं रहता है, हम लोग कहीं और रहते हैं, यानी परिवार से थोड़ा सा। हाँ, परिवार से हट के रहते हैं। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो पुलिस वाले भी हैं जो अपना जिम्मेदारी समझते हैं, चाहे इनका परिवार हो या किन्हीं का परिवार हो, जो परिवार सबको प्यारा है, थोड़ा सा कष्ट करेंगे पर आगे जो भविष्य है वो उज्ज्वल है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ प्रभात। न्यूज़ प्रभात को सब्सक्राइब करें और फिर लाइक करें। धन्यवाद।